चलो देवरा, कल हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम किसी बेटा प्रॉब्लम को, ठीक है ना, हम उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फार्मूलेशन देते हैं, यानी कैसे हम उसको बेटा मैथमेटिकली, ठीक है ना, डिफाइन करते हैं। जैसे आपने कहा था, हमने एग्जांपल लिया था फर्नीचर डीलर वाला, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिया था ना कि भाई उसको क्या करना था। आपने कहा था, सर वो कंप्लीट नहीं किया सर एग्जाम्पल। हाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, उसी कर रहा हूँ। देखो यानी बेटा 50,000 उसको इन्वेस्ट करना था, टेबल और चेयर्स पे, ये सब आपको याद होगा ना, टेबल और हम आपसे कहें चेयर्स पे, ठीक है ना। देखो इसकी जो टेबल की कॉस्ट थी वो पर टेबल कितना था, 2,500 रुपये था, और देखो 2,500। और ये बेटा इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 500। हमने कहा था कि वो कितनी टेबल और कितनी चेयर, ठीक है ना, परचेज करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यहाँ आपने क्या लिखा था, एक टेबल पे उसका बेटे प्रॉफिट आया था 250 का, और चेयर पे वो प्रॉफिट कमाएगा 75 का। तो आपने ऐसा कुछ बनाया था कि हमने आपको कहा था कि लेट एक्स बी द नंबर नंबर ऑफ चेयर्स, सॉरी नंबर ऑफ टेबल, और वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स, बी द नंबर ऑफ चेयर्स। तो आप देखा बेटा, हमने इनमें कुछ कंस्टेंट यानी कंडीशन डिफाइन की थी। वो क्या थी, देखिए पहली कंडीशन थी कि एक्स इज ग्रेटर और इक्वल जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यानी जीरो से लेकर के, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम वो 60 खरीद सकता, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या था, वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब फिर बेटे तीसरा आपने बनाया था, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था 5x, ठीक है ना, 5x प्लस वाई, बोल बेटा, लेस आर इक्वल टू 100। और फिर आपने चौथा कहा था एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 60, क्योंकि 60 क्या था, उसका स्टोरेज था, यानी दोनों मिला के वो 60 या उससे कम स्टोर कर सकता, ठीक है। अब देखिए इसे कहते बेटा हम कंस्टेंट्स। अब इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका होता है, इसे कहते हैं हम कहते हैं, देखिए पहली बात तो हम इन चारों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करेंगे, इनमें जो कॉमन आएगा उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। और फिर बेटे होता है कॉर्नर मेथड, यानी जहां पर देखो इस रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स होगा वहां पे हम, ठीक है ना। अच्छा अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना था, एक्स जेड इक्वल टू बना था, देखो 250 यानी एक टेबल का प्रॉफिट इनटू एक्स यानी पूरे टेबल्स का प्रॉफिट, प्लस आपसे कहा जाए 75 इनटू वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटे बना था, ठीक है, यानी इसी को हमें मैक्सिमाइज करना, ठीक है, यानी कितनी टेबल और कितनी हम चेयर्स ले, जेड हमारा क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो बेटे पहली बात देखो, पहले मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। आपसे कहा जाए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो बेटा एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये रीजन आ गया, ठीक है ना। फिर बेटा दूसरा क्या है, दूसरा है वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और वाई इज ग्रेटर और बेट, ये हो जाएगा, समझ गए बात को, वाई पॉजिटिव। फिर तीसरा क्या है, 5x+y। अब देख बेटे पहले इतना नोट कर लो, अब देखिए तीसरा हमारे पास है, तीसरा है बेटा, तीसरा है हम आपसे कहें, देखो ये है 5x+y लेस वाई इक्वल टू 100। तो अगर 5x+y इज इक्वल टू बेटा 100, इसका मतलब x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस को बेटा 20 पे काटेगी और y एक्सिस को जो कहाँ काटेगी, 100 पे, यानी कुछ ऐसा। देखिए अब ये लाइन जो होगी ये बेटा आपसे कहा जाए x एक्सिस को 5 पे और बेटे y एक्सिस को ऐसा कुछ, ठीक है ना। यानी अब आपने कहा कि बेटा ये पॉइंट क्या है, 20,0 है, और ये पॉइंट है
जीरो कॉमा हंड्रेड। और देखो ये तो इज इक्वल टू का है, अगर 5x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 100 हो तो बेटे ये तो इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का, और अगर लेस आर करोगे बेटा हमें ये पूरा रीजन मिल जाएगा। आई बात समझ में? और देखिए फिर बेटा चौथा क्या है, चौथा है x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 60, लेस आर इक्वल टू 60। यानी बेटे अब हम यहां पर ठीक है ना बात करें अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 की, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका बेटा ग्राफ आएगा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये बेटा x और y को ये कहाँ कट करेगा, देखो आपसे कहा जाए ये बेटा 60, यानी ये लाइन कुछ ऐसी हो गई। देख बेटे अब ये पॉइंट क्या होगा जान दो बेटा, ये पॉइंट होगा 60, 0 और ये पॉइंट होगा 0, 60 और लेस आर इक्वल टू करोगे तो ये पूरा बेटा रीजन आ जाएगा। अब देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन चारों का हमें चाहिए क्या इंटरसेक्शन, यानी बेटा यानी कुल मिला के इसका इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर हमें इनका इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलो हम बेटा ड्रॉ करके आपको दिखा देते, ठीक है ना। देखिए इतना नोट कर लीजिए आप, यानी ये है एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये है बेटा वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये है बेटा 5x plus y is less r equal to 100 और ये है x plus y is less r equal to 60, ठीक है बेटा, less r equal to हम आपसे कहें बेटे 60, ठीक है। चलिए तो ध्यान दो ये बेटा x एक्सिस हो गया और नीचे ले लिया जाए, ये x एक्सिस हो गया, ये बेटा y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या था 5x plus y, यानी देख बेटा ऐसा देखो मैं लिखता चलूं, मैं ये पॉइंट है 20, 0, ये पॉइंट है 0, 100 और फिर क्या था बेटा x plus y is equal to 60, यानी अभी कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ गए बेटी। यानी अब ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 0, 60 और ये होगा बेटा 60, 60, 0। अब देखिए यानी अब हमारा जो कॉमन रीजन है यानी फिजिबल रीजन है वो आपने क्या कहा बेटे, फिजिबल रीजन हमारा बेटा ये आ गया, ठीक है ना, दिस इज ठीक है फिजिबल रीजन, ठीक है ना, ये है फिजिबल रीजन। आई बात समझ में? और देख बेटा अब ये फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी, तो बाउंडेड का मतलब इसकी चारों हमें क्या मिल रही हैं, बाउंड्रीज मिल रही हैं, इसको हम बाउंडेड कहेंगे। अब देखो ये पॉइंट आपके पास है 0, 60, ये है 0, 0, ये है 20, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा और ये बेटा इंटरसेक्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो देख बेटा हम क्या करें, इसको सबट्रैक्ट कर दे, y कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बनेगा माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 40, यानी x आ गया बेटा 10 और x 10 आएगा तो y 50 आ जाएगा, यानी ये 10 कॉमा क्या हुआ 50। यानी जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें चार कॉर्नर हमें मिल रहे हैं, समझ गए बेटा, इसमें हमें चार कॉर्नर्स मिल रहे हैं और उन चारों कॉर्नर्स के हमने क्या निकाल लिए क्वाड्रेंट्स, ठीक।
अब देखिए, अब हमारा जेड इज इक्वल टू क्या था, आप याद करो, 250x+75 और 250x+ बेटा 75y, इसी को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, यानी इसकी ऑप्टिमम वैल्यू, ये बेटा कॉर्नर पॉइंट भी आएगी, ठीक है ना। तो आप देखो, अब आपसे कहा जाए, हम बेटा एक टेबल बना लेते हैं, आपसे कहें हम कुछ बेटे ऐसा, आपसे कहा जाए दिस इज देखो, अगर बेटा हम यहां कहें एक्स वाई और ये जेड, तो पहला पॉइंट क्या है, एक्स हो गया वाई हो गया, जीरो जीरो जेड कितना हुआ, जीरो हो गया। अब दूसरा क्या, 20 0, एक्स 20 वाई 0, ठीक है बेटा। अब कितना आएगा, 250, यानी कितना बेटे 5000, जेड आ गया 5000। अब बेटे कितना है, ये पॉइंट है 10 50, ये 10 आ गया, ये 50 आ गया, तो जेड कितना है, जेड है 250 × 10, 250 × 10 प्लस 75 × 50, और ये आया था 6250। और दूसरा क्या बेटा, 0 और 60, ठीक है ना। ये तो बेटा देखो ध्यान देना, यानी 0 और 60, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 60 × 75, ठीक है ना। यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 7 42, 3 कितना 45, 45 हुआ, ठीक है। तो आपने देखा बेटा, इसका जो मैक्सिमम है वो क्या है, 6252, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको 10 टेबल और 50 चेयर्स परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बेटा, जो फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, तो इनका जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो बेटे इन्हीं पॉइंट्स पे, यानी जो हमारा बेटे कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसी पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और अगर बेटा ये बाउंडेड रीजन है तो ऑप्टिमम वैल्यू आएगी, अगर अनबाउंडेड है तो ऑप्टिमम यानी मैक्सिमा या मिनिमा आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। खैर, अभी इस साल के सिलेबस में केवल बाउंडेड ही है बेटा, लेकिन हम अनबाउंडेड आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बेटे कुछ हम प्रैक्टिस करें, ठीक है, समझ गए, ओके बेटा। अब चलिए, इसमें बेटे कुछ क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप पहले बेटा सॉल्व करना, उसके बाद अनसॉल्व करना, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। और देखिए, अब ध्यान दो, ठीक है, यानी हमें इधर देख बेटा, एग्जाम्पल 4 जो है वो अनबाउंडेड रीजन है, यानी इसकी बाउंड्री मतलब एक तरफ बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। खैर चलो, पहले हम एग्जाम्पल 1 की बात करें, ठीक है बेटा, पहले हम एग्जाम्पल 1 की बात करें, आप समझ गए ना चीजें कैसे करनी, यानी ये कॉर्नर मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, आगे बढ़े हम। चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ए है बेटा 4x+y। देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, जो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने पहले उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़े, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स एज्यूम करके। चलो अब यहाँ बेटे कंडीशंस क्या है, सब्जेक्ट कंस्टेंट्स क्या है बेटा, x+y < 50, दूसरा है बेटा 3x+y > 90, फिर x > 0 और y > 0। तो इसका बेटे अगर हम इक्वलिटी देखें, x+y = 50 बनेगा, ये बनेगा x/30 + y/90 = 1 बनेगा। चलो अब हम इसका बेटे पहले
फिजिबल रीजन देखें, फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहली बात, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां से हमारे पास आएगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, देखो बेटे अब ये लाइन एक्स, ध्यान देना ये लाइन, देखो बेटे एक्स एक्सिस को 50 पे वाई को 50 पे बेटा कट करे, यानी ऐसा, ठीक है ना। यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 50, 0 और ये होगा 0, 50। और लेस सॉल्व करोगे तो इधर का पोर्शन बेटा, यानी ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, एक्स अपॉन 30, वाई अपॉन कितना बेटे 90, यानी ये एक्स एक्सिस को तो 30 पे कट करेगा, वाई को बेटा 90 पे कट करेगा, यानी अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि ये 30 है तो 50 के इधर हो जाएगा, यानी ये पॉइंट कितना हुआ 30, 30, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, 90। अब हमारा बेटा ये ओरिजिन है, यानी कॉमन जो रीजन, यानी जो फिजिबल रीजन हुआ वो आपने कहा, ये बेटा कुछ ऐसा होता गया, समझ गया बात को, यानी ये हमारा बेटा फिजिबल क्या है, रीजन है। और हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, ये तो हमारे पास सही है, ये भी हमारे पास है, ये पॉइंट हमें निकालना होगा और ये इंटरसेक्शन होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का, ठीक है बेटा। हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखेंगे x 20 आएगा और y 30 आएगा, यानी ये 20 हुआ और ये 30 हुआ। इसको बेटा हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हम क्या करें, हम बेटे वही टेबल बना लें, ठीक है ना। यानी कैसे बनाए देखिए, आपसे कहा जाए, दे बेटा ये देखिए, ठीक है ना, हम आपसे कहें देखिए ये बेटा कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट और दिस इज वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। पहला कॉर्नर पॉइंट बेटे क्या है, 0, 0, 0, 0 और जेड हमारा क्या है 4x + y है, तो x 0 y 0 कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या बेटा, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 30, 0, इस पे आप जेड निकाल लो, x को 30 y को 0 कितना आ गया, ये 120 आ गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 20, 30 है, तो x को 20 y को 30 दोगे, x को 20 और y को 30, यानी ये कितना आ गया 110 आ गया। और बेटे यहाँ पर देखिए आप चौथा पॉइंट क्या है, 0, कितना बेटे 50 है, 0, 50 लोगे कितना आ गया 50 आ गया, तो मैक्सिमम क्या है, ये वाला इसका मैक्सिमम है, यानी x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेगा, अपना मैक्सिमा लेगा, ठीक है ना। ये बेटा क्या होगा, मैक्सिमा होगा, समझ गए बात को, बोल बेटा, बोलो भाई। तो ये बेटे था, अगर रीजन क्या बेटा, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, ठीक है ना। तो आप बेटे कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, 12.1 पूरा करना आपको। फिर बेटे इसको खत्म करने के बाद 12.3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, जैसा हमने पहला एग्जांपल लिया, डाइट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ पे आपको पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, सारे कंस्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था,
इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया है और आपने कहा ये सारे कंडीशंस यानी कंस्टेंट्स भी गिवन है, ठीक है, ओके। बोलो भाई, तो अब बेटा थोड़ा सा आप काम करो, ठीक है ना, समझ में आ गया। आज बेटे आप 12 पॉइंट अभी जो इसके एग्जाम्पल यानी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल 2 और 3 करना, उसके बाद 12.1 एक्सरसाइज 12.1 आप सॉल्व करो, ठीक है, ओके। चलो बेटा इतना आप कर लीजिए, ठीक है ना। देखो 12th बोर्ड का तो बेटा इतने सिलेबस है, लेकिन हम अनबाउंडेड आपको कल बेटा पढ़ा देंगे, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ भाई जील, थोड़ा वीडियो तो ऑन करो, जील टंडेल, रवि, प्रीत, प्रतीक, बेटा वीडियो ऑन करो। ये कौन है, प्रीत, गुड, जील, अच्छा अपनी इमली तो दिखा, इमली का पेड़ तो दिखा रे, अच्छा अबे इमली के पेड़ नीचे नहीं बैठते, ठीक है ना। प्रतीक बगीचे में बैठा है, हैं? बगीचे में बैठा है, तो बगीचा उसका मैं देख के आ गया बेटा, क्या बगीचा, शानदार बगीचा है इसका, रवि ठीक है, तो बड़ी इच्छा पूरा करो, ठीक है ना, आई बात समझ में। देखो थोड़ा थोड़ा कल ही खत्म हो जाएगा, कल बाउंड्री पढ़ा दूं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोज आप देखते रहो, उसको आपको वीडियो में ही करना, ठीक है ना, एनसीईआरटी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और आपका अब हम बेटे बोर्ड का एग्जाम शुरू करा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोबेबली कल आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई पेपर पहुंचेगा, ठीक है, ओके। चलो आज की